एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर दी एंथ टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। तो सबसे पहला इनको हम A1, A2, A3 मान करके चलते हैं, इसको B1, B2, B3 मान करके चलते हैं। तो इन फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन AP1, टर्म वन मतलब A1 इज 63, और वो जो कॉमन डिफरेंस है इसको हम D1 बोलेंगे। पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कारण यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, वी मे नोटिस इट इज 65 माइनस 63, 67 माइनस 65, तो 2 निकलता है। इन AP2 पहला टर्म है B1, वो है 3, और इसको हम कैपिटल D1 मानेंगे, या इनको सिंपली डी और कैपिटल डी और स्मॉल डी मान लेंगे। ये स्मॉल डी, ये कैपिटल डी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम नोटिस करते हैं तो 10 माइनस 3 7, 17 माइनस 10 7, तो कॉमन डिफरेंस है 7। तो अब क्या बोल रहे हैं, मतलब दोनों एंथ टर्म कॉमन इक्वल रहना, मतलब AN इज इक्वल टू BN। उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस, मतलब ये जो है यहाँ पे A1 है, प्लस एन माइनस वन टाइम्स D1 इज इक्वल टू B1 प्लस एन माइनस वन वन टाइम्स कैपिटल डी। D1 नहीं है, खाली डी है। तो अभी सब्स्टिट्यूट करने से वैल्यूज को 63 प्लस एन माइनस वन टाइम्स टू इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन टाइम्स 7 निकलता है। तो 63 को इधर लाने से 63 माइनस 3 हो जाता है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में 7 एन माइनस 7, इस ए वाला टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाने से पहला तो यहाँ पे 2n होता है, उस साइड ले जाने से वो माइनस 2n हो जाता है, या माइनस 2 है उस साइड ले जाने से प्लस 2 हो जाता है, तो ये निकलता है हमें 5n माइनस 5, मतलब 60 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। तो ये अभी हम लोग लिखने लिखने वक्त 5 को उस तरफ ले जाएंगे, मीन्स 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n, मतलब 65 इज इक्वल टू 5n, या n जो है 65 बाई 5 निकलता है जो है 13। यही हमें फाइंड आउट करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, वो है 13। ये इसका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। तो गिवन A3 इज इक्वल टू 16, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2 टाइम्स D, इसको पहला इक्वेशन मान करके चलते हैं। और सेवेंथ टर्म मतलब सेवेंथ टर्म को A7 एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म मतलब A5 बाई 12, इसको वापस लिखने वक्त A प्लस 6D माइनस ऑफ A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो हमें निकलता 6D माइनस 4D, 2D निकलता है इक्वल टू 12। इसका मतलब D जो है 6 निकलता है। जब हमने डी फाइंड आउट कर लिया तो ये जो पहला इक्वेशन है इसको यूज कर करके ये फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस 2 टाइम्स 6
मतलब 16 माइनस 12 इक्वल टू ए, तो इसका मतलब ए जो है 4 है। तो देयरफॉर द एपी विल बी, पहला टर्म है 4, उसके बाद में डी ऐड होएगा, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन। ये इसका सॉल्यूशन है।